ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा तो कर लिया, मगर तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत के संग वापसी करने के लिए बेकरार है। स्टार की टीम में वापसी होगी, कमिंग स्पेशल मैच में आराम लेने के बाद अच्छी रिदम में आएंगे और ग्लेन मैक्सवेल भी अपना तूफान लेके टीम में जुड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अब वाला मैच उनके लिए एक सम्मान की बात रहेगा ये, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि ये सीरीज 3-0 से भारत अपने नाम करे, और वो चाहेंगे कि इस मैच में भारत को हरा के वो वर्ल्ड कप का सफर एक अच्छे नोट में शुरू करें। भारत की समस्या कम हो रही थी, मगर वायरल अटैक ने भारत की समस्या और बढ़ा दी है। खबर ये आई है कि शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तीसरे ओडीआई में भारत की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, और भारत को सिर्फ 13 प्लेयरों के संग राजकोट पहुंचना पड़ेगा। उन 13 प्लेयरों में से भारत को सिर्फ 11 प्लेयर चुनने पड़ेंगे। अब समस्या ये आ चुकी है कि एकदम जो हमें लग रहा था कि भारत, जो हम लोग सोच रहे थे कि भारत राजकोट में वो प्लेइंग लेवल उतारेगा जो उनकी वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रांग होगी, पर इस वायरल अटैक ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब भारत को अपने बचे हुए प्लेयरों में से अच्छी प्लेइंग लेवल उतार के ये मैच जीतने की कोशिश करनी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में जुड़ चुके हैं, और साथ ही में जुड़ चुके हैं जसप्रीत बुमराह। इन तीनों की वापसी के वजह से टीम और मजबूत हो रही थी, लेकिन शुभमन गिल का ना होना टीम में सबसे बड़ी समस्या की बात रहेगी। शुभमन गिल इतनी अच्छी फॉर्म में थे, मेरे हिसाब से उन्हें रेस्ट नहीं देना चाहिए था अगर उन्हें वायरल अटैक नहीं आया, क्योंकि वायरल फीवर मेरे हिसाब से शुभमन गिल को नहीं था, क्योंकि ये खबर 4 से 5 दिन पहले ही आ गई थी कि शुभमन गिल रेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शुभमन गिल लास्ट मैच भी खेलते तो अच्छा रहता शुभमन गिल के लिए। आप प्रैक्टिस मैचों में उन्हें आराम दे सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें आराम अभी दे दिया तो अच्छी बात है। शुभमन गिल का ना होना एक बड़ी समस्या रहेगी इंडिया के लिए। आइए बात करते हैं श्रेयस अय्यर की फॉर्म में आने की वजह से इंडिया का मिडिल ऑर्डर और मजबूत नजर आ रहा है, और पिछले मैच का शतक उनके कॉन्फिडेंस को और ऊंचाई पर ले गया है। खबर ये भी आई कि रोहित शर्मा के संग ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एशियन गेम्स के लिए तैयारी के लिए जा चुके हैं। वो मंदिर गए थे तो वहां से दर्शन करके वो एशियन गेम्स के लिए रवाना होंगे, और इस वजह से भारत को ईशान किशन को ओपनिंग करवानी पड़ेगी रोहित शर्मा के संग। और रोहित शर्मा और ईशान किशन चाहेंगे कि वो भारत को अच्छी शुरुआत दें, क्योंकि स्टार्क और हेजलवुड और पैट कमिंस की ये तिकड़ी वापस आएगी, और भारत के वो शुरुआत के विकेट जल्दी चटकाने की कोशिश कर देंगे। और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज की बैटिंग रही है सीरीज में, और वो नहीं चाहेंगी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और ख़राब हो, इसलिए स्टीव स्मिथ इस मैच में एक बड़ी इनिंग के लिए जरूर आएंगे। और लघु शेन इतना खराब प्लेयर नहीं है जिस प्रकार से वो आउट हो रहे हैं वो भी, और लघु शेन भी पूरी ताकत के संग भारत के बॉलर का सामना करने के तैयार हैं। और ग्लेन मैक्सवेल के आने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन अगर ये 3 प्लेयर आ चुके हैं, पैट कमिंस, स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, तो आपको अलग तरह की ऑस्ट्रेलिया टीम देखने को मिलेगी। और तीसरा ओडीआई मैच भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों के लिए जरूरी होगा। और एक बड़ी समस्या ये है कि अभी टीम को ये नहीं पता कि वायरल फीवर किन किन प्लेयर को आया है। क्या ये 4 प्लेयर जिन्हें टीम से निकाला गया है इनको वायरल फीवर था, या फिर जो टीम में अभी 13 बचे हुए हैं उनमें से किसी 2 को वायरल फीवर है, अभी भी टीम किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन का माहौल टीम में आ चुका है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ये वायरल फीवर होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय टीम इस समस्या से निकले और अच्छी तरह से वर्ल्ड कप में आए, क्योंकि याला मैच अगर इंडिया जीत जाती तो और एक ऐसी स्टेटमेंट हो जाएगी कि आपने ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम को हराया, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया वाले बच रहे हैं कि हमारी तो पूरी टीम खेली रही है, हम लोग तो प्रैक्टिस के लिए आए हैं। लेकिन अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कल का मैच हरा दिया तो एक भारत ऐसी स्टेटमेंट मार दिया कि वो वर्ल्ड, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि भारत वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।